तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। तो फाइनली आपके सामने एक होंडाई की एसेंट कार है, 23 का मॉडल है। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बस बताने और दिखाने के लिए बस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है। तो ये देख लीजिए गाड़ी किस तरीके से दिख रही है। इग्निशन ऑन करता हूँ ज़रा, तो देख पा रहे इग्निशन ऑन हो चुका है। ज़रा फ्लैश ऑफ कर देता हूँ मैं, तो देखिए किस तरीके से गाड़ी दिख रहा है। अभी क्लियरिटी ज़्यादा आ रही है। 2023 का मॉडल है, 23 मॉडल का है, 2023। तो चलो, इसका कंडेंसर ना लीकेज हो गया है, तो इस वजह से मैं इसका कंडेंसर तो अभी फ़िलहाल बाहर बनने को गया है। तो मैं अपना जो एसी फिलिंग, गैस फिलिंग और वैक्यूमिंग का सिस्टम है, तो मेरे पास अभी दूसरा मशीन बोले तो बना हुआ खुद का मशीन है, वो चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चलो बाहर चलते हैं, इग्निशन जरा ऑफ कर देता हूँ मैं। तो कंडेंसर तो फिलहाल अभी खुला हुआ है, निकाला हुआ है, लेकिन बट ये रही मशीन बोले तो जो घर के एसी में यूज़ होता है, स्प्लिट एसी, विंडो एसी में या फिर फ्रीज में, बड़े बड़े डिफ्रीज़र में ये कंप्रेसर यूज़ होता है। तो इसका जो है ये वैक्यूम लाइन है, यहाँ से आप वैक्यूम कर सकते हैं और यहाँ से प्रेशर मार सकते हैं। और ये ऑन ऑफ स्विच बटन है। ये फाइनली यहाँ पे कंपनी ही है, लेकिन बट ये चीज़ें अभी तक पुरानी जो सिस्टम चल रही थी वही सिस्टम को चलाते आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अभी अपने पास यही चीज़ें है, इसी से मैं गैस चार्जिंग वगैरह, गैस फिलिंग करता हूँ। तो मैं आपको चालू करके एक बार दिखा देता हूँ। तो पावर सप्लाई दिया हुआ है, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से प्रेशर इन हो रहा है, ये चीज़ें यूज़ करना उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल रहती है ना, इसके अंदर कैपिला 65 ऑयल रहता है, जो कि कार के अगर एक स्पेसी कंप्रेसर में चला जाए तो ये कंप्रेसर को ख़राब कर सकता है। तो इस चीज़ को आप सही से यूज़ करें, ऑयल वगैरह ज़्यादा जाने मत दें, क्योंकि ऑयल अगर कोई इसका ऑयल अगर कंप्रेसर में चला जाएगा अपना कार के एसी के कंप्रेसर में, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस वजह से इसको आप सही से यूज़ करें। तो बाकी का प्रेशर वगैरह मार के मैं अभी कंडेंसर अभी बाहर गया है रिपेयर के लिए, तो वो चीज़ें आएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो फाइनली इसका कंडेंसर आ चुका है, इधर से लीकेज था। तो चलो इसको मैं फिट करता हूँ, पहले फिटिंग करके फिर प्रेशर मार के मारने का प्रोसेसिंग में दिखाता हूँ कैसे मारने का रहता है। तो फाइनली कंडेंसर फिट हो गया। तो सबसे पहले आप ये वाला एडाप्टर देख लीजिए, ये मेड इन चाइना वाला एडाप्टर है। इसको आप प्रेस करेंगे यूँ, फिर ये लॉक होता है। तो मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको ज़रा। इसका कैप है, लो वाला है, ये देख पा रहे हैं लॉक हो चुका है। इसको ऐसे पुश करेंगे डायरेक्ट, ये लॉक हो जाएगा। चलो अब मीटर लाइन में, ये रेड वाली लाइन लगा रहा हूँ मैं। इधर तो इसको खोल लेता हूँ मैं, क्योंकि प्रेशर अपना इधर से जाएगा, तो इधर से आप इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। तो इधर लेंगे तो इसको खोलना पड़ेगा, इधर लेंगे तो इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको बंद कर देता हूँ, इसको खुला हुआ है, तो अब इसको मैं चालू करता हूँ। देख पा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है। तीन सौ का प्रेशर मार के चेक करेंगे इसको फिर वापस से। यहाँ से प्रेशर इन कर रहे हैं और इधर जा रहा है।
300 पे आने वाला है, तो इसको करता हूँ मैं लॉक, यहाँ से कर देता हूँ बंद, इसको पूरा लॉक कर देता हूँ और ये लाइन की जो प्रेशर है उसको छोड़ देता हूँ यहाँ से मैं, और बराबर 300 पे प्रेशर रखता हूँ मैं ताकि अपने को लीक चेक करने में आसानी हो। तो प्रेशर जब तक होल्ड रखता हूँ, फिर वैक्यूमिंग करके मैं आपको ये मशीन से दिखाता हूँ कैसे वैक्यूम करते हैं। अब तक मेरा प्रेशर होल्ड है, आधा घंटा से ज़्यादा ही रखा था मैं, तो अब ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली में लगाना है क्योंकि अपने को वैक्यूम करना है, क्योंकि इसमें प्रेशर में इसकी वजह से मारा था, क्योंकि अपने इसमें जो है ना लॉ वाले इसमें मीटर में 120 का PSI PE है और इसका 500 है, तो इस वजह से अपन इसमें लगा के प्रेशर मारे। तो चलो ये प्रेशर छोड़ देता हूँ और ये लाइन इधर लगा देता हूँ। वैक्यूम करने वाला लाइन है ये, क्योंकि कोई भी कंप्रेसर में दो ही लाइन होती है, सक्शन और डिस्चार्ज। तो वैक्यूम वाले में लगा दी हूँ, अब इसको खोल के इसमें लगाता हूँ मैं। तो इसमें लगा दिया, अब मैं चालू करता हूँ कंप्रेसर वापस से। चालू हो चुका है, यहाँ से प्रेशर सब निकल रहा है और मीटर में देख रहे हैं प्रेशर वैक्यूम हो रहा है, वैक्यूम पे काटा जा रहा है। तो चलो थोड़ी देर इसको वैक्यूम होने देता हूँ, फिर गैस चार्जिंग में लेके आता हूँ आपको। तो अपना वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, 10 मिनट तक रखा हूँ, 10 मिनट तक ही करना, से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैक्यूम में। और वैक्यूम नहीं भी करेंगे तो भी गैस डाल के आपका कूलिंग आ जाएगा, इसमें कोई कार एसी में कार में कोई ये नहीं होता है, वैक्यूम ना करेंगे तो कूलिंग नहीं होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो चलो मैं इसको बंद करता हूँ, बंद कर दिया। अब ये लाइन मेरा इधर वाली लाइन बंद हो चुकी, ना इधर से एयर जा सकता है ना आ सकता है इधर से, अब ये लॉक हो चुका। तो अब यहाँ से इसको पहले बंद कर देता हूँ और इसको कंप्रेसर से खोल लेता हूँ। और ये रही इसका गैस, इधर जो गैस का बाटला है इतना बड़ा मिलता है, देख पा रहे हैं 10 लीटर का, ये रही, इधर अपने को लगाना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको लगाता हूँ, इधर लगाता हूँ पहले। तो फाइनली इसको लगा दिया, अब इसको खोल देता हूँ और इसको पलटी मार देता हूँ ताकि लिक्विड सिस्टम में जाए पहले। तो इसको पलटी मारता हूँ मैं, तो फाइनली इसको पलटी मार दिया हूँ। अब यहाँ से गैस इन कर रहा हूँ मैं, सिस्टम में डाल रहा हूँ, देख पा रहे गैस जा रहा है। तो जरा गाड़ी चालू करके आता हूँ मैं, फिर सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर दोनों मेज़र करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपन गाड़ी चालू कर दिए, एसी चालू कर दिए और गैस इसमें डाल चुका हूँ, और सक्शन प्रेशर देख पा रहे हैं आप 30 पे है। ये PSI वाला प्रेशर चेक करने का रहता है, ये जो देख पा रहे हैं ना PSI वाला ग्रीन वाला, तो ये PSI वाला प्रेशर चेक करना है अपने को, ना कि एक नीचे बार दिया है इस साइड पहले, उसके बाद PSI दिया है। तो अपन PSI में चेक करते हैं प्रेशर। तो PSI का जो प्रेशर है ना वो 30 पे रहना चाहिए, 30 से नीचे रहेगा तो कंप्रेसर सही है आपका, सक्शन प्रेशर गैस फुल मारने के बाद। और गैस फुल कब होगा, अब फुल हुआ है क्या नहीं चेक करना है, तो आपको यहाँ से रिटर्न लाइन यानी सक्शन पाइप को पकड़ के आप चेक कर सकते हैं, जिससे गैस डालते हैं अपन, यहाँ से चेक कर सकते हैं। पूरा चिल्ड होना चाहिए, बर्फ़ जैसा पकड़ते हैं ऐसा होना चाहिए, सम गाड़ी में यानी कोई कोई गाड़ी में बर्फ़ जैसा नहीं लगेगा, उससे नॉर्मल ठंडा लगेगा। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप, और गैस पूरा अगर हो गया है तो यहाँ से भी 30 से नीचे ही रहना चाहिए, या 30 तक रहना चाहिए, उससे ऊपर जाओगे तो गैस ज़्यादा होने लगता है। और ये भी चीज़ें कंप्रेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंप्रेसर कितना प्रेशर बना रहा है, उसके ऊपर प्रेशर दिखाएगा आपको उस हिसाब से। तो अभी इसमें लगभग मेरा गैस फुल हो चुका, और इसका मैं डिस्चार्ज प्रेशर यानी हाई प्रेशर भी दिखा देता हूँ। ये रही हाई वाला जो कि इससे कनेक्टेड है, ये वाली लाइन, तो यहाँ इसका प्रेशर ये लगाऊंगा तो इसका प्रेशर यहाँ बताएगा। तो चलो इसको मैं लगाता हूँ, तो देख पा रहे हैं इसको बंद रखना, 200 के आसपास यानी 150-170 ऐसा है प्रेशर, अभी डाउन हो रहा है क्योंकि पंखा चालू हो गया। थोड़ा सा गैस और मैं डालता हूँ इसमें, तो देख पा रहे ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है,
ये भर रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो फिर ये भर रहा है। पंखा उंगा चालू है सब, इसका चालू बंद हो रहा है, मतलब गैस कम है इसमें। तो पंखा कंटिन्यूसली चालू होना मांगता है। अब गैस का लेवल बराबर है, तो रिटर्न लाइन भी मैं चेक कर लेता हूँ, रिटर्न लाइन भी सही है। तो चलो जरा अंदर चेक करता हूँ, अंदर कूलिंग कैसी है। तो फाइनली अंदर भी पूरा चिल्ड हो चुका है गाड़ी। तो बस इतना ही ये वीडियो में दिखाया कि ताकि बहुत से भाई को समझ में नहीं आता है कैसे गैस भरने का, कैसे क्या करने का। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया रहेगा, समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं दो बार देखिए, दो बार नहीं तीन बार देखिए, जब तक समझ में ना आए अब तक देखते रहिए वीडियो को। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।